हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है हमारे बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स फोर्थ सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए। सो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ आपके सब्जेक्ट पब्लिक पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, इस सब्जेक्ट के असाइनमेंट का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर। सो दोस्तों, ये असाइनमेंट आप लोगों को कल यानी कि 16 जुलाई को सबमिट करना है। तो दोस्तों, आप लोगों को टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आज मैं आप लोगों को इस असाइनमेंट से रिलेटेड दोनों वीडियोस प्रोवाइड कर दूंगी। सो दोस्तों, आप लोगों को बस करना यह है कि आप लोगों को इन दोनों वीडियोस को अच्छे से फॉलो करना है। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूं आपके क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। सो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमसे क्या पूछा जा रहा है, चलिए फटाफट से इसके बारे में हम लोग डिस्कस करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमसे पूछा जा रहा है कि गरीबी अनुमूलन में मनरेगा की भूमिका का परीक्षण कीजिए। सो दोस्तों, आप लोगों से पूछा जा रहा है मनरेगा के बारे में। दोस्तों, मनरेगा बेसिकली एक गवर्नमेंट स्कीम है जो कि गरीबी अनुमूलन की दृष्टि से किस प्रकार इम्पॉर्टेंट है, उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है आपके क्वेश्चन के अंदर। तो दोस्तों, मनरेगा से रिलेटेड सारे पॉइंट आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। एंड दोस्तों, वन बाय वन करके मैं आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो के ऊपर मैं आप लोगों को 100 लाइक्स का टारगेट दे रही हूँ। ये टारगेट आप लोगों को कंप्लीट करना है ताकि आप लोगों को इसी तरीके से अच्छी वीडियोस मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से वन बाय वन करके सारे पॉइंट्स को डिस्कस करना शुरू करते हैं। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो है हमारा परिचय। तो गाइज, इस क्वेश्चन के आंसर में आपको परिचय कुछ इस तरीके से देना है कि गरीबी एक अस्वीकार्य मानवीय स्थिति है जो लंबे समय तक बनी नहीं रहनी चाहिए। किसी देश को विकसित करने के लिए सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण कार्य गरीबी को खत्म करना और सामाजिक असंतुलन को कम करना है। दीर्घकालीन और सतत आर्थिक विकास और सही कार्यक्रमों और नीतियाँ गरीबी से लड़ने की कुंजी है। गरीबी को कम करने से विकास में मदद मिल सकती है और गरीबों को आर्थिक गतिविधियों में भाग लेने में सक्षम बनाया जा सकता है। न केवल आर्थिक विकास से गरीबी की स्थिति में सुधार हो सकता है, जीवन की गुणवत्ता और निर्णय लेने में भागीदारी जैसे विकास पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। गरीबी एक जटिल बहुआयामी समस्या है जिसकी उत्पत्ति राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों क्षेत्रों में हुई है। भारत में गरीबी मुख्य रूप से एक ग्रामीण को सुलझाने के लिए महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 या जिसे बाद में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि मनरेगा के रूप में बदला गया एक भारतीय श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय है जिसका उद्देश्य काम के अधिकार की गारंटी देना है। यह अधिनियम सितंबर 2005 में प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार के तहत पारित किया गया। सो दोस्तों, आप लोगों को पता है कि राइट नाउ हमारे इंडिया के अंदर या फिर बात करें वर्ल्ड की, तो जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है गरीबी, सामाजिक असंतुलन। आज अगर हम एक तरफ देखें तो अमीर और ज़्यादा अमीर होता जा रहा है और गरीबों की हालत दिन ब दिन बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। सो दोस्तों, इसी स्थिति को सुधारने के लिए हमारे इंडिया के अंदर एक कार्यक्रम शुरू किया गया, एक नीति शुरू की गई जिसको हम मनरेगा के नाम से जानते हैं। एंड दोस्तों, ये मनरेगा स्कीम जो शुरू की गई है वो शुरू की गई है 2005 के अंदर, जो कि गारंटीड रोजगार अधिनियम है। तो दोस्तों, इससे रिलेटेड चीज़ें आप लोगों को समझनी है। बेसिकली दोस्तों, मनरेगा एक बहुत अच्छी स्कीम मानी जाती है जब हम बात करते हैं ग्रामीण क्षेत्रों की, क्योंकि दोस्तों मनरेगा एक ऐसी स्कीम है जिसके अंतर्गत जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उसमें 100% गारंटी दी जाती है कि आप लोगों को रोजगार मिलेगा। तो दोस्तों, आप लोगों को ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। आप लोगों को यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि मनरेगा स्कीम कब पारित हुई थी, 2005 में, और किसके द्वारा पास की गई, तो ये डॉक्टर मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार द्वारा। तो दोस्तों, ये है आपका परिचय। आप लोगों को परिचय कुछ इस तरीके से याद रखना है। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम।
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005। तो दोस्तों इसको हम अच्छे से डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि इसी के बारे में हमारे क्वेश्चन के आंसर में पूछा गया है। तो दोस्तों हमारा जो सबसे पहला पॉइंट है उसके अंदर बताया गया है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी कि यूपीए सरकार द्वारा अपने न्यूनतम साझा कार्यक्रम जो फरवरी 2006 में मुख्य रूप से 20 जिलों में प्रभावी प्रतिबंधताओं का एक हिस्सा था, ये एक सराहनीय प्रयास था और इसने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया। ये अपने उद्देश्य से कई गुना सफल रहा। एक और ये एक सामाजिक सुरक्षा उपाय है और पिछली सार्वजनिक योजनाओं विशेष रूप से महाराष्ट्र में रोजगार गारंटी योजना के अनुभवों पर लागू किया गया है। दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्रों में गारंटी रोजगार प्रदान करके ये श्रम बाजार के परिणामों में सुधार करना चाहता है। ये अधिनियम का दोहरा उद्देश्य है, ये ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के साथ साथ स्थायी संपत्ति भी बनाना चाहता है। सो दोस्तों हमारा पहला पॉइंट में बताया गया है कि किस तरीके से जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना अधिनियम है उसको 2005 में यूपीए सरकार द्वारा चालू किया गया, लेकिन जो ये मेन जो जो इसने काम करना शुरू किया वो इसने शुरू करना शुरू किया 2006 के अंदर 20 जिलों के अंदर जब इसे लागू किया गया तो ये एक सराहनीय प्रयास साबित हुआ और ना सिर्फ नेशनल लेवल पे बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसने लोगों का ध्यान आकर्षित किया। काफ़ी सारे हमारे अदर कंट्रीज ने इस कार्यक्रम की तारीफ की और बताया कि ये एक अच्छा कार्यक्रम है, ये अपने उद्देश्य से कई गुना ज़्यादा सफल रहा और इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य था वो सामाजिक सुरक्षा के उपाय के साथ साथ जो पिछली योजनाएं चल रही थी अच्छी अच्छी देश के अंदर उन योजनाओं को ध्यान में रखते हुए लागू किया गया था। दूसरी ओर ये ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार गारंटी प्रदान करना चाहता था और जो श्रमिक बाजार है उसके अंदर परिणामों में सुधार करना चाहता था। इस अधिनियम में दोहरा जो उद्देश्य था वो ये था कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार तो पैदा हो ही, साथ ही जो ग्रामीण लोग हैं उनकी जो संपत्ति है वो भी बने। तो दोस्तों आप लोगों को इस पॉइंट को अच्छी तरीके से ध्यान रखना है, ये पॉइंट आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है भारत की महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जो 2006 में शुरू हुई थी दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक योजना है। 2010 से 2011 के वित्तीय वर्ष में मनरेगा ने 5.5 करोड़ परिवारों को रोजगार दिया जिन्होंने 5.1 मिलियन परियोजनाओं पर 2.5 अरब कार्य दिवस लगाए जो रुपये के बजट से वित्तीय पोषित थे 349 अरब। तो दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे ये जो डाटा दिया गया है 2010 5.5 करोड़, तो दोस्तों ये जो डाटा है ये आप लोगों को आपके असाइनमेंट में ज़रूर मेंशन करना है, इससे आपके असाइनमेंट पे एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। दोस्तों हमारा आगे इस पॉइंट के अंदर बताया गया है कि जिसने मनरेगा को बनाया प्रत्येक ग्रामीण परिवार को संबंधित राज्य द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर पर सार्वजनिक निर्माण परियोजनाओं में प्रति 100 दिन तक का रोजगार कानूनी अधिकार प्रदान करता है। ये रोजगार गारंटी कार्यक्रम मुख्य रूप से अकुशल श्रम बल के लिए मजदूरी रोजगार के अवसरों को पूर्ण करके ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आजीविका प्रतिभूतियों को बढ़ाने के लिए है। सो दोस्तों ये जो परियोजना है इसने काफ़ी सारे लोगों को लाभ पहुंचाया और दोस्तों इस परियोजना के अंतर्गत जो सभी स्टेट हैं हमारे देश के अंदर उन सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ये आदेश दिया जाता है कि ग्रामीण स्तर पर जो अकुशल जो श्रमिक है उनको 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा मनरेगा स्कीम के अंतर्गत ताकि वो लोग भी अपना घर चला सके और उनको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। दोस्तों अभी राइट नाउ कोविड-19 का टाइम चल रहा था, उस टाइम पे भी मनरेगा ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प की है हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में जो रोजगार है उसे देने में। तो दोस्तों आप लोगों को इस पॉइंट को ज़रूर ध्यान रखना है, ये पॉइंट आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मनरेगा की
महत्वपूर्ण विशेषता है। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ छोटे छोटे पॉइंट जो कि आप लोगों को ज़रूर ध्यान रखने हैं। सबसे पहली विशेषता है गारंटीकृत रोजगार, यानी कि मनरेगा के अंदर गारंटीड रोजगार दिया जाएगा, ये वादा किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। अधिकार आधारित रोजगार का प्रकार, पंचायत राज संस्थानों को ग्रामीण क्षेत्रों में योजनाओं को सक्रिय करने की शक्ति सौंपी जाती है। रोजगारों का सृजन संभव नहीं होने की स्थिति में ग्रामीण लोगों को बेरोजगारी भत्ता पाने के हकदार है। अन्य रोजगार योजनाओं के विपरीत ठेकेदारों को योजनाओं में हस्तक्षेप करने की मनाही है। एक और विशेषता, कार्यस्थल सुविधा प्रदान की जाती है। मजदूरों का सभी भुगतान बैंक या डाकघरों के माध्यम से किया जाता है। समस्त व्यय संबंध में सामाजिक अंकेक्षण का प्रावधान है। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण एवं संपत्ति निर्माण के उद्देश्य से किए गए कार्य, कृषि अर्थव्यवस्था का सतत विकास। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में नीचे की ओर ग्रामीण पंचायतों से शुरू होकर शीर्ष पर केंद्र सरकार तक कार्यान्वयन की 5 स्तरीय संरचना है। ग्रामीण पंचायत निचले स्तर पर नोडल एजेंसी है, जिसके पास कार्यों के चयन, डिजाइन और कार्य विनिमय का अधिकार है। कार्यों का चयन, निष्पाद, निगरानी और पर्यवेक्षक ग्राम सभा द्वारा किया जाता है। इस योजना के तहत परिवारों को पंजीकृत करने, जॉब कार्ड जारी करने, रोजगार के लिए आवेदन प्राप्त करने, रोजगार प्रदान करने और कार्यों की निगरानी करने की जिम्मेदारी ग्रामीण पंचायत की है। सो दोस्तों आप लोगों को ये सारी विशेषताएं ध्यान रखनी है। ये बिल्कुल सिंपल सिंपल से पॉइंट हैं पर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों जो मनरेगा स्कीम है वो एक ऐसी स्कीम है जिसके अंदर जो काम जो शुरू होता है वो सबसे निचले पायदान से शुरू होता है, यानी कि हमारे ग्राम पंचायत से, और चलते चलते ये केंद्र सरकार तक जाता है, जो कि 5 स्तरीय संरचना है। सबसे पहले जो ग्रामीण पंचायत है वो निचले स्तर की नोडल एजेंसी है, जो कि कार्यों का चयन करती है, डिज़ाइन तैयार करती है और अधिकार देती है। इसके बाद जो हमारी ग्राम परिषद है वो इस सारी चीज़ों को देखती है और जॉब कार्ड जारी करती है, आवेदन प्राप्त करती है, इस तरीके से काम करती है। और धीरे धीरे ये फिर स्टेट लेवल पर जाता है एंड उसके बाद सेंट्रल लेवल पर जाता है। तो दोस्तों आप लोगों को इस पॉइंट को भी ध्यान रखना है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है योजना के विशिष्ट लक्ष्य। दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है योजना के विशिष्ट लक्ष्य। पहला पॉइंट है योजना की विशिष्ट लक्ष्यों में टिकाऊ संपत्ति का निर्माण और ग्रामीण गरीबों की आजीविका संसाधन आधार को मजबूत करना। रोजगारों के अन्य विकल्प अपर्याप्त हों तो कमजोर समूह के लिए रोजगार स्रोत प्रदान करके सामाजिक सुरक्षा जाल का निर्माण करना। यानी कि दोस्तों जो योजना का जो विशिष्ट लक्ष्य है वो सबसे पहला है टिकाऊ संपत्ति का निर्माण, जो कि गरीबों के लिए एक टिकाऊ संपत्ति बन सके और उनकी जो आजीविका के साधन है, संसाधन है, उनका जो आधार है वो मजबूत हो सके। दूसरा इस योजना के लक्ष्य है वो ये है कि जब रोजगार के साधन और जो विकल्प हैं वो अपर्याप्त हों तो जो हमारे देश का जो कमज़ोर समूह है उसके लिए रोज़गार के स्रोत प्रदान किए जाएं, ताकि उसकी जो सामाजिक सुरक्षा है वो बनी रहे। दोस्तों हमारा तीसरा पॉइंट है एक कृषि अर्थव्यवस्था के सतत विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाना। अधिकार आधारित कानून की प्रक्रियाओं के माध्यम से ग्रामीण बेरोजगारों को सशक्त बनाना। तो यानी कि दोस्तों जो हमारी कृषि अर्थव्यवस्था है उसको सतत बनाना, यानी कि उसका विकास करना, उसका सतत विकास करना। और दूसरा है अधिकार आधारित कानून की प्रक्रिया के माध्यम से ग्रामीण गरीबों को सशक्त बनाना, यानी कि जो हमारे ग्रामीण गरीब लोग हैं उनको सशक्त बनाना इस योजना का लक्ष्य है। तो दोस्तों ये हो गया हमारा नेक्स्ट पॉइंट। दोस्तों अब हम बात करते हैं इस कार्य के प्रकारों का, यानी कि मनरेगा के अंदर किस किस टाइप के काम करने को दिए जाते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर जो सबसे पहला पॉइंट है वो है टिकाऊ संपत्ति का निर्माण और गरीबी
ग्रामीण गरीब लोगों के आधार पर आजीविका संसाधनों को मजबूत करना योजना का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। अनुदमीय प्रकार के कार्य निम्नलिखित हैं। सबसे पहला कार्य जल संरक्षण और जल संचय, दूसरा है सूखा रोधक यानी कि वन्यकरण और वृक्ष आरोपण सहित, तीसरा है नहरों की सिंचाई। इंदिरा गांधी आवास योजना के तहत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की भूमि लाभार्थी भूमि सुधार या लाभार्थियों के परिवारों के स्वामित्व वाली भूमि के लिए सिंचाई सुविधाओं का प्रावधान। चौथा काम तालाबों से गंदगी निकालने सहित पारंपरिक जल निकायों का नवीनीकरण। पांचवा है जल भंवर वाले क्षेत्रों में जल निकासी सहित बाढ़ नियंत्रण और संरक्षण कार्य। सिक्स है हर मौसम में पहुंच प्रदान करने के लिए ग्रामीण संपर्क। सेवन पॉइंट है कई अन्य कार्य जो राज्य सरकार के परामर्श से सेंट्रल सरकार द्वारा अनुसूचित किया जा सकता है। और आठवां है भूमि विकास। तो दोस्तों ये कुछ आठ टाइप के काम हैं जो कि मनरेगा के अंतर्गत दिए जाते हैं। सो दोस्तों आप लोगों को इन पॉइंट्स को भी ध्यान रखना है। दोस्तों यहाँ पे हमारे सारे पॉइंट खत्म होते हैं। सो दोस्तों लास्ट में आप लोगों को एक लोगों को खुद से रेडी करना है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो दोस्तों अगर इस वीडियो में की हुई मेरी मेहनत आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। एंड येस गाइज, अगर आप सब चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों मिलती हूँ मैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।